स्नेहितरे शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगतगुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी, इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है, अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी।